और अभी ईमान बताएगी मेरा रिजल्ट, तो मुझे बताने चाहिए लेकिन ईमान बताएगी, ईमान ज़्यादा अच्छा बताएगी। ईमान बताइए क्या हुआ, मुझे तो पता ही है मेरा रिजल्ट, आप बताइए। बी ग्रेड ना सी ग्रेड ना ए ग्रेड ना ए प्लस, फेल हो गया ये भाई साहब। पारा कुछ आता पाता है नहीं इसको, फेल हो गया भाई साहब। व्लॉगिंग व्लॉग हर टाइम व्लॉगिंग, कुछ आता है नहीं। गाइस वी आर बैक अनदर व्लॉग, दिनों बाद क्या कहना चाहिए यार, बड़े घंटों बाद, बड़े दिनों बाद वापस आ चुका हूँ मैं। और थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से जो है मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि जो है ना अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। सुबह कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज के आने के बाद आके जो है फिर सोते थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, सोने के बाद फिर जो है 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, कारी साहब आते हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं, कारी साहब के पढ़ाने के बाद फौरन ही हम लोग चले जाते हैं कोचिंग। अब कोचिंग में सीन ऐसा है कि पहले व्लॉगिंग जो है मैं कर सकता है लेकिन अब नहीं कर सकता, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि कोचिंग जो है मतलब ऊपर जो हम लंच ब्रेक करते थे छत जो है बन रही है, जिसकी वजह से ब्रेक टाइम हो नहीं रही, लेकिन क्लास में से बैठे रहते हैं और उसमें आप जो करना चाहें करें, नीचे से लंच ले लो और फौरन ऊपर आ जाओ, बस ये होता है। फिलहाल आज के दिन में अच्छा गया, कल भी इंशाल्लाह कॉलेज जाएंगे, कल तो स्पोर्ट डे इस वजह से जा रहा हूँ मैं। और आज जुम्मा है तो सबको मेरी तरफ से सबसे पहले जुम्मा मुबारक, और आज रिज़ल्ट भी है मेरा, पता नहीं क्या होगा, बस अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। और आप लोग भी दुआ करिएगा कि अच्छी परसेंटेज आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा जो है डर लग रहा मुझे क्या होगा, 2 बजे रिज़ल्ट आएगा, वैसे पिछले साल भी यही बोला था कि 2 बजे आएगा, 3 बजे आ गया था, 1 घंटे लेट हुआ था। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी नमाज़ पढ़ कर रहते हैं फिर मिलते हैं, अभी नमाज़ का टाइम तो हुआ नहीं है, अभी बहुत टाइम है। बाय बाय। पता है हुआ ये छुट्टी किस वजह से हुई जल्दी, एक तो सबसे पहले जुम्मा था, लेकिन फिर भी जो है 12:15 बजे छुट्टी होती है कॉलेज की, लेकिन क्या नाम है सर आए एक, उन्होंने बोला आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 डिग्री है, तो छुट्टी करो, लेकिन मंडे था ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सख्ती होगी, और 1 बजे जो है छुट्टी होगी फिर कॉलेज की। और आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, जुम्मे वाले दिन ज़्यादा ही गर्मी होती है। फिलहाल अब जुम्मे की नमाज़ में मिलेंगे इंशाल्लाह और रिज़ल्ट में देखते क्या होता है। ये देखें माशाल्लाह से फूल वूल भी जो है मिल गए हमें, अभी अभी मिले कोचिंग से आया हूँ मैं, और लिफाफे भी है, लेकिन पैसे जो है मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कितने जमा हैं, दिखाऊंगा नहीं बता दूंगा कितने जमा हो चुके हैं। और मतलब सारे आए थे, क्यों आए था आप लोगों को पता ही है, रिज़ल्ट था। और ईमान से आप पूछते हैं, तो गाइस ईमान से मैं अभी इसलिए नहीं पूछ रहा, सुबह ही पूछूंगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल वो खाना खा रही है, उस वजह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं उसको। और आपको कल मतलब आज के ब्लॉग में ही सुबह पता चल जाएगा, यानी अगली क्लिप में पता चल जाएगा कि क्या हुआ रिज़ल्ट का, पास हुआ या फेल हुआ, क्या हुआ वो आपको पता चल जाएगा। एक कहानी भी है रिज़ल्ट के दिन की ही, और रिज़ल्ट के ऊपर की ही कहानी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, ज़रा सुनिएगा। अभी फ़िलहाल हम भी खाना वाना खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह मैंने तकरीबन आधी प्लेट खाना खाया था, खाना कम करा हुआ है, कमज़ोर हो गए हम जब बीच में बीमार हो गए थे, तो सुनिए अभी फ़िलहाल खाना खाते फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस अभी मैं चला रही हूँ इसकी जानवर की साइकिल, तो हना मैंने बोला तुम थोड़ा सा व्लॉग बना लो, मैंने बोला अच्छा चले बना ही लेते हैं व्लॉग, अब मेरे को डर ही लग रहा है, शर्म आ रही है कि सामने ये बच्चे हैं और मैं व्लॉग कैसे बनाऊं। ये रहा ना भाई,
तो ये बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बनाना क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ से रूम बना रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, मैं आयरन से बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं खेल रही क्योंकि आयरन से मेरी हो गई लड़ाई। वो मैं आपको एक ब्लॉग अगले ब्लॉग इस ब्लॉग तो मैं सोच रही हूँ ना, मैंने बोला ब्लॉग बनाओ तो मैं कैसे बनाऊँ। शर्म आ रही है, चल एक तो इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हुआ क्या हो गया? हन्नाना लाउडन व्लॉग हाँ आ जाएगा, नाम बताओ। हन्नाना लाउडन व्लॉग अब सही है। ये तुमको पता है मिस्टेक हो गई क्योंकि दिखेगा तो थे वैसे। अक्सर मैं चला हाथ छोड़ती हूँ रेड हैंड, अभी मैंने ये वाला हाथ छोड़ा है क्योंकि बीबी मैं ब्रेक नहीं जाती, मुझे भी शर्म आ रही बहुत अंदर परेशान होता है। एक तो ये हमें सीट भी ना ऊपर नीचे वाली है, ऐसे बनाना कहीं तक लॉक नहीं बन सकता। सॉरी गाइस, बहुत ही गर्मी है। यार एक तो ये सीट ना बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, पहले हमें बताइए अगर। और ये नाना ना हमारे सामने बोला कि तुम ना व्लॉग बनाओ, ब्रेक नहीं है इसलिए मैं व्लॉग बनाया। ये धूम कैसे हो गया भाई? आज खेल वेल के सब चीज़ों से जो है फारिग हो चुका हूँ मैं, और ईमान ने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया जो कि आपने देख लिया। साइकिल का व्लॉग था, अब ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, सही था बस नॉर्मल। तो ईमान को प्रैक्टिस नहीं है एक हाथ से चलाने की साइकिल, फिर भी उसने चलाया और बड़े कॉन्फिडेंस से उसने जो है व्लॉगिंग करी। मैं होता तो शायद नहीं कर पाता, पहले कर सकता था, अब पता नहीं क्या होता है कि साइकिल पे ब्लॉगिंग बहुत कम करता। फिलहाल साइकिल का हाल, हमारी पंचर वंचर हुई हुई है, इसको बनवाया नहीं है अभी तक। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट तो चलो ईमान ही बताएगी, उसको छोड़ देते हैं, सही है। सो फिलहाल जो मैंने कल बोला, अभी हमारा सीन ऐसा है कि ईमान से हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया, क्या बना, क्या हुआ। सो फिलहाल देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, सही सही बताऊँगा, कोई झूठ नहीं, कोई मतलब जितनी परसेंटेज आई है बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, सच ही बोलूँगा मैं। सो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, और अभी ईमान बताएगी मेरा रिज़ल्ट। तो मुझे बताना चाहिए लेकिन ईमान बताएगी, ईमान ज़्यादा अच्छा बताएगी। ईमान बताइए क्या हुआ, मुझे तो पता ही है मेरा रिज़ल्ट, आप बताइए।
भाई का रिजल्ट जो आया है वो आया है बी ग्रेड, ना सी ग्रेड, ना ए ग्रेड, ना ए प्लस, फेल हो गया ये भाई साहब। कुछ आता पता है नहीं इसको, फेल हो गया भाई साहब। व्लॉगिंग व्लॉगिंग हर टाइम व्लॉगिंग, कुछ आता है नहीं, कुछ आता है ओए ओए चल झूठ नहीं बोल, पास हो गया हूँ, बी ग्रेड आया है मेरा रिजल्ट जो है, बी ग्रेड आया है। तो इस बार बहुत कम है, पहले 76% आई थी और अभी 65 आई है। सो चलो जो भी है, जिसमें जो भी परसेंटेज आई है अल्लाह को शुक्र, इसमें मैं खुशियों को मिलने की बात है, लेकिन आगे इंशाल्लाह मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो परसेंटेज। सो फिलहाल आज के ब्लॉग जितना भी बना है, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।